बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बरज़ा बिन्त मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेहतरीन ख़तीब और पुरजोश मुबल्लिग़ इस्लाम थी। हज़रत बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निहायत अज़ीमुल मर्तबत सहाबिया थी। हज़रत मसूद बिन सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबी रसूल की साहिबजादी थी। इनके कारनामों की फहरिस्त बड़ी तवील है। तबकात इब्न साद और सीरत इब्न हशाम में आपके हालात मिलती हैं जो इंतहाई सबक आमोज हैं। इनसे ये मालूम होता है कि ये खातून सब्र इस्तिकलाल और इस्तिकामत की एक अजीम शान मिसाल थी, जो बयक वक्त बहादुर और जदी भी थी और आबिदा और जाहिदा भी थी। बिलागत और फसाहत में भी बहुत आगे थी और अज़्म व हिम्मत में भी इनका कोई सानी न था। इन खुशबख्त और रफ़ीउल मंज़िलत अफराद में से भी आप थी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल किया और आपसे बैत की सआदत उज़्मा से भी बहवर हुए। किरदार की पाकीज़गी और ख़िदमत खल्क़ की बिना पर हज़रत बरज़ा ख़ास शोहरत की हामिल थी। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राविया और मुतादद मशाहिर की उस्ताद भी थी। इनके सामने बाद हजरात ने जानुए शगिर्दी भी तय किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सिमा की दौलत से मालामाल भी हुए। इनकी ज़ुबान में बड़ा ही दिलकश और हसीन व गरीब अजीब इम्तिज़ाज पाया जाता था। बेहतरीन खतीब और पुरजोश मुबल्लिग इस्लाम भी थी। तहम्मुल और बुर्दबाजी के इनके अंदर वो जौहर पाए जाते थे कि जो कम लोगों के हिस्से में आते थे। हज़रत बरज़ा बिन्त मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सीरत इब्न हशाम की रिवायत के मुताबिक जंग उहद में भी शिरकत की। ये जंग 3 हिजरी में लड़ी गई और इसमें मुसलमानों से एक जंगी लफ्जश हो गई थी, जिसके नतीजे में मुसलमानों में घबराहट के आसार पैदा हो गए थे और यकायक जंग का नक्शा कुछ इस तरह से बदल गया था कि मुसलमानों का इसमें साबित कदम रहना मुश्किल हो गया था। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन हजरात ने बहादुरी और इस्तिकामत का सबूत दिया उनमें हज़रत बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसमें ग्रामी भी शामिल है। ये खातून इस दर्जा हद दर्जा कमाल तक बहादुर थी कि जंग में डटी रही। जब मुसलमानों ने हजीमत के आसार दिखाई देने लगे तो ये बहादुर खातून एक किनारे पर खड़ी थी और एक ऊंचे मकाम से तमाम मामलात को बनजर गायर देखती रही थी। उन्होंने मुसलमानों को पुकारा और बड़े नवाज से कहना शुरू किया, मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? मैदान जंग से भागने की कोशिश करना इस्लाम के मुनाफी और बहादुरी के तकाजों के खिलाफ। ये देखो, तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर मैदान में मौजूद हैं और उन पर तीरों की बौछार हो रही है, लेकिन रसूल अकरम सल्लम हर सूरत में हालात का मुकाबला करेंगे। तुम अजीब मुसलमान हो कि अपने पैगंबर को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो। हर हाल में इस्तकामत का सबूत दो, अपनी गर्दनें कटा दो, जान की बाजी लगा दो, कुफर की ताकत के साथ पूरी ताकत से टकरा दो, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो। मैदान से भाग जाना बहादुरों का सेवा नहीं और सच्चे लोगों का काम नहीं। अगर तुम अपनी बात में सादिक हो, तुम्हारा मजहब सच्चाइयों का जामे है, तुम अल्लाह के परिश्तान और सद कदीर से नबी करीम सल्लम की नबूत और रिसालत का इकरार करते हो तो मैदान जंग में डटे रहो और जवान मर्दी से दुश्मन के तीरों का मुकाबला करो। किसी नौ की कम हिम्मती और कमजोरी का इजहार तुम्हारी तोहीन है। बहादुर भागने के नाम से नाशना होते हैं, उनके मुस्तकबिल के फैसले मैदान जंग ही करता है। तुम्हारे आबा और अजदाद की उम्रें दुश्मन से तसादम और लड़ाइयों में गुजर गईं, आज तुम यहाँ से पीठ दिखाकर उनके नाम को भी बटा लगा रहे हो और अपना जज्बा इस्लामियत की भी इहानत के दर पे हो। ठहरो, अपने मुस्तकबिल का फैसला यहीं करो। ताज्जुब है, औरतें तो तीरों की छाँव में खड़ी और मर्दों पर शिकस्त के आसार नुमाया हैं। हज़रत बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जंग उहद में इंतहाई काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। ये जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती थी, मुजाहिदीन को पानी भी पिलाती थी और दुश्मन से मुकाबले के लिए उन्हें असलह भी फराहम करती थी। जंग से वापसी के बाद इन्होंने एक नहायत अहम खिदमत ये अंजाम दी कि शुहदाए उहद के घरों में जाकर उनके अहल वयाल को तसल्ली दी और शहादत के फजाइल बयान किए और ये बताया कि मुसलमान का असल काम जिहाद है। जो शख्स जिहाद से भागता है मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। इस्लाम की तालीम में जिहाद को जो अहमियत हासिल है वो किसी और इबादत को हासिल नहीं। उन्होंने कहा, जिहाद की मुतअद्दिद नौयतें हैं जिनमें बुनियादी नौयत मैदान जंग में जाना और शमशीर बकफ होकर दुश्मन से सरबरसर पेकार होना है। अगर कोई शख्स इस नाम दर्जा शहादत पर फायज हो जाने का शर्फ हासिल कर लेता है तो वह इंतहाई खुशनसीब शख्स है। उनकी
इस अंदाज की तसल्ली और इस उसलूब गुफ्तगू ने शुहदा के वरसा को इंतहाई मुतासर किया और उनके अफसोस व हुज़न के आसार भी दूर हो गए।